की अपने नाना जी और अपनी दो बहनों के साथ रहती है। तीनों बहनें शिवरात्रि का मेला देखने जाती हैं। उसी रात संतो गांव के मालिक धर्मराज मैयावंशी से पहले मंदिर में प्रवेश करने की भूल करती है, जिसकी सजा के तौर पर मालिक संतो के नाना जी को नौकरी से निकाल देते हैं। मालिक ने तुम्हें नहीं मुझे सजा दी है, मुझे नौकरी से निकाल दिया है। मजबूरन नाना जी को कहनों के साथ साथ तीनों बहनों की माँ जैसी गाय मंजरी को भी बेचना पड़ता है। इसी बीच अचानक हीरों का बहुत बड़ा कंसाइनमेंट हासिल करने के लिए धर्मराज मैयावंशी नाना जी को फिर से नौकरी पर रखते हैं। कल सवेरे से तुम काम पर वापस आ जाना। नाना जी यानी माधव सोलंकी को मुट्ठी में करने के लिए धर्मराज मैयावंशी अपने चपरासी महेश को क्लर्क बनाकर उसकी शादी माधव सोलंकी की दोहित्री के साथ तय करते हैं। महेश की पगार 3 गुना बढ़ा दो और ये माधव सोलंकी की दोहित्री से शादी करेगा। अब आगे केम छे तुम? हाँ हूँ पण ठीक छू, बस थाकी गया छू। इस कंसाइनमेंट को लेकर थोड़ा परेशान हूँ, लेकिन हो जाएगा। अरे तने खबर आपवानू तो भूली ज गया, तारो बहनोई अने मारो साडू भाई विराट संघवी नींद से जाग गया है। फिर हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया है, लेकिन वो ये जानता भी नहीं कि मैं कहाँ हूं। अपनी पूरी ताकत लगा ले तो भी मुझ तक नहीं पहुंच सकता। मैं उसे मुझ तक पहुंचने नहीं दूंगा। चल जावा दया बदी बातो। तारी बहन सुरेखा बहुत नसीब वाली छे, देखना उसको वर मिला तो भी हीरों का व्यापारी, पर वो अपनी पत्नी से ज्यादा अपने हीरों से प्यार करता है, और मैं मेरे लिए तो तू ही है मेरा क्वीनू। बहुत जोर से भूख लगी है, माफ कर जय, कितने दिनों से तेरे साथ बैठ के खाना नहीं खाया। ना के आता हूं फिर साथ में बैठकर खाना खाते हैं आज, और बहुत सी बातें करनी तेरे साथ। रहने हो शो ये हमारी खेमी बेटी है। माधव काका, खेमी की कुंडली हम अपने ज्योतिषी अरबा गौर को दिखलाना चाहते हैं। अरे इसमें इतराज की क्या बात है, अच्छा ही है, जितने गुण मिलेंगे उतने ही संसार अच्छा निभेगा। संतु बेटा वो मेरी लाल वाली थाली लेके आना।
15 दिन? हाँ हाँ 15 दिन बाद, क्योंकि उसके बाद फिर 8 महीने तक ना शादी का अच्छा मुहूर्त नहीं है इसलिए। अच्छा, जैसी आपकी मर्जी। जी हाँ। मालिक तक सच्चाई पहुंच गई। मालिक, वो माधव सोलंकी। जय श्री कृष्ण मालिक। जय श्री कृष्ण। गुरुजी, ये हमारे मेन कारखाने से अलग छोटा सा पॉलिशिंग यूनिट है जिसे माधव सोलंकी और उसके कारीगर चलाते हैं। मालिक, आपसे एक बात कहनी थी। हाँ माधव काका, कहो। आपने जो मेरी धोत्री की शादी तय करा के उपकार मेरे ऊपर किया है, इस उपकार का बदला मैं किसी जन्म में भी चुका नहीं सकता। मालिक आप महान हो। नहीं नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? मेरा पांव कैसे छू सकते हैं? आप उम्र में बड़े हैं मुझसे, बुजुर्ग हैं मेरे। आदमी उम्र से नहीं ओहदे से बड़ा होता है मालिक। आपका ओहदा मेरी उम्र से बहुत बड़ा है। थोड़े समय के लिए मैं तो डर ही गया था मालिक। मैं भूल गया था कि हमारी आंखों के आंसू पोंछने वाले आप ही हैं। आपने हमारे चेहरों पर मुस्कान फिर से वापस कर दी। आपकी वजह से ही हमारे घर का चूल्हा जलता है। आप भगवान हैं। अरे नहीं माधव काका, मैं भगवान नहीं हूं, बस एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता हूं। और फिर अपने परिवार वालों के लिए मेरा ये करना तो जायज है। आखिर आप लोग मेरे परिवार जैसा ही है। मैंने ये फैसला किया है कि अगर आप लोगों ने एक कंसाइनमेंट समय पर पूरा कर दिया तो मैं हर कारीगर को 4 महीने की पगार बोनस में दूं। ये कंसाइनमेंट समय पर पूरा करना हम सब की जिम्मेदारी है। अगर किसी के मन में कोई शंका रहे तो बेझिझक मेरे पास आ जाना। चलो अपना काम करो। आओ पिनाकी। गुरुजी, मालिक सारे वर्कर्स आपसे बहुत खुश हैं और इनकी यही खुशी अपना काम पूरा करने में इनका जोश और बढ़ाएगी। पर आप तो जानते ही हैं कि धर्मपुर के लोग पैसे से ज्यादा प्यार के भूखे हैं। गुरुजी, मैंने जो किया उचित किया ना? जब समय विरुद्ध चल रहा हो तो मनुष्य को अच्छे कार्य तो करने ही चाहिए। मेहंदी तेवा वे मालवनी एनो रंग गयो गुजरात रे। जग्गू भाई, पिनाकिन साहब मिले थे और हम लोगों से पूछ रहे थे जग्गू के पास इतना पैसा कहां से आया, उसने कैसे जमा कर दिया इतनी जल्दी।
तो तुम लोगों ने अपना मुंह तो नहीं खोला? सुन बोलो से जग्गू भाई, हमने कुछ नहीं कहा। पर जग्गू भाई, मालिक कल को ये पूछेंगे कि जो माधव काका ने पैसे दिए थे मालिक को लौटाने के लिए, वो पैसे आपने मालिक को नहीं लौटाए, आपने में जमा कर लिए तब। चुप कर, चुप कर। अरे संतो, तू यहां क्या कर रही है? हमारी बातें सुन रही थी? चुप क्यों है, बोल। वो पैसे मेरे नाना जी के हैं। अगर तुमने वो पैसे नहीं लौटाए तो मैं मालिक को बताऊंगी। क्या कहा, मालिक को बताएगी? तुमने मालिक को कुछ भी कहा ना संतो, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारा वो हाल कर दूंगा कि खुद को भी पहचान नहीं पाओगे तुम। ओके, अब ये तुम्हें देखना है कि ये सच्चाई सिर्फ तुम तक रखनी है या मालिक तक पहुंचानी है। सच्चाई पहुंची गई जगमोहन। मालिक तक सच्चाई पहुंच गई। मालिक, वो माधव सोलंकी। हाँ, मजदूरों का साथी जगमोहन, अच्छा साथ निभाया तूने माधव सोलंकी का। ये छोकरी जैन माधव सोलंकी ने कहे कि मालिक ने उसका कर्जा माफ किया। और सुन लीडर, माधव सोलंकी का रुपया अभी इसी वक्त इस छोकरी को लौटाना। अभी इसी वक्त। मालिक का, मालिक का भला हो, भला हो, हमारी बेटी घर आ गई। नाना जी, जगू काका ने जो पैसे दिए थे उन पैसों से मैंने मावड़ी और भूरी दोनों को वापस खरीद लिया। और ये रहे बाकी के पैसे, जिनमें से आप हेमी बहना की शादी के लिए गहने बना सकते हो। अरे वाह प्रभु, तुम्हारी लीला ब्रह्म पार से। जब भी इस परिवार पर संकट आया है आपने कोई ना कोई उपाय बताया है हमें। आपने जब भी मुझे उपाय बताया है मैंने उस पर अमल किया है। अब क्या उपाय है बताइए। क्या हुआ मालिक? पिनाकिन, इस वक्त जगमोहन विराट संघवी के साथ बैठा हुआ है। क्या? नमक हराम कहेगा, बकार हमसे लेता है और गुलामी उसकी करता है। आप उसे निकाल क्यों नहीं देते? काड़ी ना खीस पिनाकिन, काड़ी ना खीस, निकाल दूंगा लेकिन इस वक्त नहीं।
इस वक्त हमारा कंसाइनमेंट पूरा होना बहुत जरूरी है। जगमोहन यूनियन लीडर है, पर अगर उसे इस वक्त निकाल दिया तो ये बाकी के कारीगरों की नाराजगी को न्यौता देना होगा। लेकिन बहुत जल्दी ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दूंगा कि सारे कारीगर मिलकर उसे धक्का मारकर यहां से बाहर निकालेंगे। जगमोहन, तारी कुंडली ना पता, योग ना बदली ना क्या, तुम्हारा नाम धनराज मैया मंची नहीं। तीन लाख है, ले ले भाई, चाह पानी ना चाहे। जय श्री कृष्ण। हाँ बोलो। क्या, कैसे? क्या बात है पिनाकिन? मालिक, आपके साडू भाई ने राजकोट से आने वाले वर्कर्स को अटका दिया है। विराट सांघवी हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया है। विराट सांघवी नहीं धर्मराज, तुम्हारे ग्रह नक्षत्र तुम्हारे पीछे पड़े। धर्मराज, बात सोचने की है। तुमने अपने व्यवसाय के साम्राज्य में एक चक्री शासन किया और आज तुम्हारा वर्चस्व एक साडू भाई के आने से टूट गया। अब तक टूटा नहीं है गुरुजी, लेकिन टूट जाएगा। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि तुम्हारी कुंडली में शनि का ढैया चल रहा है। ढैया? हाँ ढैया, ढाई साल की पनौती। इस तरह के काल में मनुष्य सिर्फ पतन की ओर जाता है। ऐसे काल में अनेकों विघ्न आते हैं, पासे उल्टे पड़ते हैं, सब कुछ नकारात्मक ही होता है। और तुम्हारा ढैया तो धर्मराज उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन सूरत की मीटिंग में यह कंसाइनमेंट तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे साडू भाई को भी मिला। धर्मराज तो हमेशा अपने फैसले पर अटल रहता है, पर ऐसा इस बार नहीं हुआ, तुम्हें अपना फैसला बदलना पड़ा। एक वर्कर को नौकरी से निकालने के बावजूद दोबारा उसे नौकरी पर रखना पड़ा। अभी अभी पिनाकिन ने भी कहा कि राजकोट से वर्कर्स नहीं आ पा रहे हैं, ये भी एक तरह का विघ्न है। और ऐसे विघ्न तो अब आते ही रहेंगे धर्मराज। और एक बात अच्छी तरह से समझ लो, तुम्हारी कुंडली में गुरु नीच का है और खाड़े के स्थान पर बैठा है, और राहु और केतु। गुरुजी, ये गुरु राहु केतु मेरे समझ की बाहर की बात है। जब भी इस परिवार पर संकट आया है आपने कोई ना कोई उपाय बताया है हमें। आपने जब भी मुझे उपाय बताया मैंने उस पर अमल किया है। अब क्या उपाय है बताइए? सोना चांदी दान करना है, अस्पताल बनवाना है, विद्यालय बनवाना है, क्या करना है, क्या उपाय है? विवाह, विवाह, शादी। किसकी शादी? तुम्हारी शादी। गुरुजी, ये बात अगर किसी और ने कही होती तो शायद आज मैं मेरी जिंदगी में सुभद्रा का स्थान आज भी कायम है, और ये स्थान किसी और का लेना नामुमकिन है। अरे मैना, तुम यहाँ? और मेरा सिक्का क्यों पकड़ लिया? बस अब कुएं में गिरने ही वाला था। पर कुएं में क्यों? इस कुएं में डाल के मन्नत मांगने से मेरी सारी बातें सच हुई है, और इस बार भी मैं यही करने आई थी।
इस कुएं में सिक्का फेंक के कुछ भी मांगो तो मिल जाता है। हाँ ठीक है, तो इस बार मैं मांग के देखती हूँ।